धूप लग रहा है, इतना लेट से खाना बनता है। तो दाल चावल और सब्जी बनाए तो नहीं लगेगा लेट? दाल चावल सब्जी बनाने में आधा घंटा लगता है। हाँ, आधा घंटा लगता है, उतना है, नहीं बना पाता आधा घंटा में। बस रखेंगे और फिर इसको मूंदेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है सो हम लोग हाथ से करते हैं पूरा तरह से, पूरा आंख भर एकदम मीठी करेंगे, देखेंगे गुस्सा हो। मम्मी देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब पानी जो है सो दे रही है, जो मतलब दोंगा जो चिरे हैं उसमें मतलब पानी दे रही है। इसका जो पत्ता मारने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल लगता है इसमें मारने में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज सुबह की बज गई है 6 और हम लोग जा रहे हैं खेत। आज जो है सो खेत में मतलब हम लोग शकरकंद लगाएंगे, तो वही लगाने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं लत काटने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चलिए किस प्रकार से हम लोग लत काटते हैं और दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब मिलेंगे खेत में, तो चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो है सो बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम भी बहुत अच्छी तरह से दिख रही है, देख सकते हैं पूरा। और आप लोग को दिखा दें कि जो हम लोग मड़ुआ लगाए थे वो देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। इसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है सो मड़ुआ मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है दोस्तों। मड़ुआ की जो खेती आपको वीडियो डाल दिए हैं पहले ही, आप लोग देखे नहीं होंगे तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। और देख सकते हैं कि मड़ुआ का जो है इतना बड़ा बड़ा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले ही हैं खेत में और लत काटेंगे पहले, उसके बाद हम लोग शकरकंद लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लत का खेत है हम लोग का सो अब पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग खेत पहुंच चुके हैं और मम्मी पहले से ही मतलब लत को जो है सो काट रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये है सो शकरकंद का लत है, ये जो है यही मतलब हम लोग काटेंगे और फिर लगाएंगे। तो देखिए काटने का तरीका किस प्रकार से हम लोग काटते हैं। लत जो है सो हम लोग बहुत सारा काट लिए हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं। ये जो है लत, ये पूरा काटना है दोस्तों, ये जितना दिख रहा है पूरा काटना है, उसके बाद फिर हमको लगाने जाएंगे खेत में। देखिए देखिए दोस्तों, काट काट के जो हम लोग रखे हैं ये इस प्रकार से है, मतलब जो काटते हैं इसका मतलब तीन ठो निकलना चाहिए, जैसे कि इसका पत्ता जो है वो तीन ठो निकलना चाहिए। देखिए ये लत है, तो ये लत का देखिए तीन ठो पत्ता है ना, ये निकलना चाहिए, आना चाहिए, तब मतलब क्या है कि अच्छा लगता है और रोपने में भी अच्छा होता है। कि ज़्यादा लंबा लंबा अगर काट देंगे तो फिर मतलब लगाने में दिक्कत होगा, और फिर जिसमें कोड़ाई करेंगे उसमें मतलब ज़्यादा बैठेगा भी नहीं और मतलब सिर्फ लत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मतलब ये तीन ठो काटना सबसे अच्छा है, बेस्ट है। और आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो तीन तीन ठो पत्ता ले करके काटिएगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं कि मतलब जो है सो हम लोग इतना काट लिए हैं, एक ढेरी यहाँ पर है और एक ढेरी जो है सो यहाँ पर है, इधर भी है। देखिए मौसम भी देख सकते हैं दोस्तों कि मौसम का देखिए बादल किस प्रकार से है। हम लोग शकरकंद लगाते हैं ना, लगाने का बेस्ट समय जो होता है जिस समय बारिश होती है ना झिमझिम का, उस समय लगाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि उस समय लगाने से तुरंत लग जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। और लगाने से मतलब तुरंत हो जाने के बाद लत जो है फेंकने लगता है जल्दी जल्दी से। चलिए दोस्तों फटाफट लत काट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं खेत में, वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं काटने का और फटाफट हम लोग काट लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें दोस्तों। चलिए देख सकते हैं कि जो लत है कितना स्पीड से हम लोग काट लेते हैं इसे, देखते हैं दोस्तों फटाफट जो है सो लत हम लोग काटते हैं।
और फिर इसको लगाने जाएंगे। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा हम लोग सो लत जो है सो काट चुके हैं, सो देख सकते हैं पूरा मतलब हाथ में पूरा तुरंत तुरंत भर जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है सो लत को काट लिए हैं और आ गए हैं खेत में जहाँ पर मतलब हम लोग को लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जो लत जो काटे हैं तो इतना ज़्यादा ढेर हो चुका है दोस्तों। आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा करके, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो लत है लत का जो काट के हम लोग ढेर कर दिए। अब ये जो लत है ना इस पाता मतलब हम लोग बोलते हैं पाता जो शकरकंद का जो पाता हम लोग बनाए हैं तो इस प्रकार से है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ये जो है सो पत्ता हम लोग मारे हैं और इसमें जो है सो जैसे देखिए मम्मी मतलब ये कर रही है पत्ता के ऊपर में जो है सो मतलब डोंग जैसा मतलब ये करते हैं। डोंग जैसा करने के बाद जो है इसमें मतलब पत्ता को रखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि मम्मी जो है सो दो पत्ता मतलब ये रास्ता बना दी है जिसमें मतलब हम लोग लत को रखेंगे। तो देख सकते हैं जो ये पत्ता के अंदर मतलब रास्ता बनाई है। तो ठीक है दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं और वीडियो में बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पत्ता में जो है सो मतलब कि डोंग चीरने का, ये मतलब इसको हम लोग डोंग भी बोलते हैं। तो डोंग चीरेंगे और इसके ऊपर मतलब पत्ता को जो है सो मतलब शकरकंद का जो लत है वो रखेंगे। ममता आ रही है तो आप लोग को दिखाते हैं। ममता देखिए आ रही है कहीं लग ठीक हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ममता अभी आई है क्योंकि ममता जो है सो घर में खाना बना रही थी इसीलिए वो अभी आई है और अभी मतलब ये काम करेगी। धूप लग रहा है, धूप लग रहा है, इतना लेट से खाना बनता है। सब्जी बनाए तो नहीं लगेगा लेट? दाल चावल सब्जी बनाने में आधा घंटा लगता है। हाँ आधा घंटा लगता है, उतना नहीं बना पाता आधा घंटा में बस। तो ठीक है दोस्तों अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और काम जो है सो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों शुरुआत करते हैं, ये डंडा ले लिए, डंडा से करेंगे हाथ गंदा हो जाएगा ज़्यादा इसीलिए डंडा से हो नहीं रहा है तो हाथ से ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं सो इसके अंदर जो है सो मतलब हम लोग लत को रखेंगे, लत को रखेंगे और फिर इसको मूंदेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये जो है सो हम लोग हाथ से करते हैं पूरा तरह से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फटाफट कर लेते हैं, तो ये जो डोंग चीरने वाला काम तो हो चुका है। अब जैसे देखिए ये लत ला लिए हैं, ले आए हैं लत और अभी लत को मतलब इसके अंदर बिछाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिछाते हैं। देखिए लत को बिछाने से पहले देखिए दो दो ठो ले करके मतलब बिछाना पड़ता है। ये जैसे कि दो टुकड़ा लिए हैं, दो टुकड़ा लिए हैं दोस्तों और ये दोनों टुकड़ों को मतलब बराबर में रख के ये डोंग में रखना है इस तरह से। पास ले आओ, देख सकते हैं दोस्तों
ये फिर दो ठो ले लिए और फिर इस तरह से रखना है, ठीक है। ये जो है दो दो ठो रखना है दोस्त, काहे कि लत जब ज़्यादा फेंकेगा तब तो ही शकरकंद बैठेगा। तो देखिए ये दो दो ठो जो है सो रखना है, फटाफट हम लोग रख लेते हैं। फिर ये जो रख रहे हैं दोस्तों वो मतलब फिर से मूंदना पड़ेगा, तो मूंदने के लिए फिर काम करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहे हैं और देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको मूंदते हैं। मूंदने में आसान है पूरा तरह से, मूंदने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, फटाफट मूंदा जाएगा। सिर्फ मतलब ये बिछाने में ही जितना टाइम लग सकता है, बिछाने में मेहनत लगता है क्योंकि एक दो दो ठो करके आराम से डालना पड़ता है इसमें। इतना लाएँ इतना लत इतने दूर में ही ख़त्म हो गया, क्या करें, इसीलिए लत को पूरा मतलब काटना पड़ता है। तो देख सकते हैं दोस्तों अब ममता भी मतलब बिछा रही है लत को। तो देखिए ममता जो है सो लत को ला रही है और बिछाएगी। पानी जैसे सुबह के मौसम में लग रहा था कि पानी आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हैं सूरज की रोशनी किस प्रकार से है दोस्तों। पूरा जो है पूरा मतलब जो सूरज है पूरा धूप आ चुका है, इसीलिए मतलब इसमें जो है ना पानी हम लोग को देना पड़ेगा दोस्तों। अब पानी जो है सो मम्मी ला रही है, अब देख सकते हैं कि मम्मी जो है सो डब्बा में जो है सो पानी ला रही है और ये पत्ता में जो है ना मतलब बिछा के थोड़ा थोड़ा पानी मतलब इसमें डालेंगे, तब मतलब ये तुरंत मतलब लगेगा, क्योंकि पानी तो आया नहीं, बारिश हुई नहीं। बारिश सुबह लग रहा था कि होगी, लेकिन अभी लग रहा है जैसा कि मतलब नहीं होगी, क्योंकि धूप जो है सो पूरा ज़्यादा मतलब हो चुका है दोस्तों। तो मतलब पानी डालना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ममता जो बिछा रही है सो सही से बिछा रही है कि नहीं बिछा रही है। फर्स्ट टाइम ममता बिछा रही है, क्योंकि इसके घर में जो वहाँ पर है झलकडीहा पड़ता है सिया टाण, वहाँ पर मतलब शकरकंद नहीं लगाती है क्या, इसमें मालूम ही नहीं था शकरकंद मतलब किस प्रकार से रोपा जाता है और लत वगैरह किस तरह से काटा जाता है। सो हो गया पूरा ख़त्म हो गया क्या, हो गया तो दूसरा में लग जाओ फटाफट। मम्मी देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब पानी जो है सो दे रही है, जो मतलब दोंगा जो चिरे हैं उसमें मतलब पानी दे रही है, क्योंकि पानी नहीं देने के बाद ये मर जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा, इसीलिए मतलब पानी भी दे देते हैं, फटाफट लग जाएगा। जब मतलब ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों तो फिर वीडियो बनाएंगे सेकेंड पार्ट करके, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो अभी मतलब रोपने का सीजन है तो रोप रहे हैं हम लोग। अब देखिए पानी दिया गया है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से मतलब दोनों हाथों से पकड़ के जो है सो मतलब मूंदते हैं, और मूंदने के बाद फिर इसका काम हो जाएगा। रोपने में आसानी है दोस्तों, लेकिन इसका जो ज़्यादा मेहनत जो है ना, तो सिर्फ इसका जो पत्ता मारने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल लगता है इसमें मारने में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रोपने वाला जो काम है जोरों से चल रहा है, दो पत्ता मतलब रोपाने वाला हो चुका है दोस्तों। लगभग मैं दो पत्ता जो है सो मतलब रोपा चुका है और सभी लोग मतलब पूरा जोर से लगा हुआ है और हम वीडियो बनाने में फुर्सत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में कुछ ही कमी है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर में कुछ ही कमी है, तो आप लोग सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ही कम है
इस कारण से मतलब मेरा टाइम भी जो है सो मतलब पूरा होने वाला है दोस्तों। जैसे कि एक साल का रहता है, एक साल पूरा होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और क्या ही बताएं आप लोग के भरोसे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि जो शकरकंद है सो पूरा रोप आ चुका है, मतलब पूरा हम लोग जो है सो रोप दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा तरह से मतलब कंप्लीट कर दिए हैं, जितना हम लोग को रोपना चाहिए था उतना मतलब हम लोग रोप दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लव यू ऑल।